स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, मेरे पास आया है हीरो कंपनी का स्कूटी ड्यूट और इस बाइक में एक प्रॉब्लम हो रहा है, सेल्फ स्टार्ट की प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोगों को हम बताएंगे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, सेल दबाने से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूटी में खास करके ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है गाइस। तो गाइस, ये बाइक लेके कस्टमर बहुत ही परेशान है एक महीना से, तब जाके ये बाइक मेरे पास आया है और मैं इस बाइक को ठीक करूँगा। ठीक करने से पहले मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को पता चले जो ऐसा रीज़न अगर हो रहा है सेल्फ मारने से और सेल्फ का दिक्कत हो रहा है तो आप लोग क्या क्या चीज़ को देखिए। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो बाइक में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देखो, मैं सेल्फ स्टार्ट कर रहा हूँ, आप गौर कीजिए, यहाँ इंजन में दिखाइए, हम सेल्फ मार रहा हूँ, यहाँ दिखाइए दिखाइए, तो गाइस ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा इंजन नहीं घूम रहा है और कभी कभी तो क्या बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है और कभी कभी जैसे कि इंजन ही नहीं घूम रहा है, साली खाली मोटर घूम रहा है। तो चलो, अगर इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो हम लोगों को खोलना है ये चैम्बर। खोलने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। चैम्बर खोलते हैं, गाइस यहाँ हम लोगों का सेल्फ की सिस्टम है। तो चलो सब खोलते हैं नाट वगैरह। नाट किस तरह से खोले हम आपको बताते हैं। ये हम लोगों का बेल्ट पुलर लगा के और यहाँ हम लोगों का 24 नंबर गुठी 22 नंबर गुठी लगा के नाट खोलेंगे। ठीक है, अब निकालता हूँ। तो गाइस यहाँ देखो, हम लोगों का पिनियम टूट चुकी है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं, हम लोगों का होता है ये वन वे बैरिंग का हालत भी बहुत ख़राब है, देखिए क्या हो रहा है। और ये बाडी मुझे लग रहा है लोकल मार्केट से, लोकल कंपनी का लगाया गया है। तो चलिए हम बाकी का चीज़ सब कुछ खोलते हैं और आप लोगों को दिखा दे किस तरह से आप लोग करें और इसमें हम लोग क्या क्या डालेंगे जिसमें कि हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस हम लोगों को डालना पड़ेगा वन वे बैरिंग और ये बाटी और ये पिनियम, क्योंकि पिनियम टूट गया है। पिनियम टूटने का कारण रीजन यही है, ये जो हम लोगों का बाटी है लोकल कंपनी का हम लोग नहीं लगा सकते, हम लोगों को जेनुइन लगाना है। तो गाइस मैंने मार्केट से लाया, ये हम लोगों का जेनुइन है। चलो पैकेट काटते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये हम लोगों का जेनुइन एकदम हीरो कंपनी का है, कंपनी का माल हम लोगों को नहीं लगाना है वरना आपका सिस्टम ख़राब हो जाएगा। तो गाइस ये हम लोगों का वन वे बैरिंग नया है और यह है पुराना। तो पुराना का जो हम लोग का दांता है ये हम लोग का पिनियम ख़राब हो चुकी है और एक्सीडेंट करके हम लोगों का जैसे कि पिनियम ख़राब हुआ है। जब भी सेल्फ स्टार्ट करेंगे इससे हम लोगों का जो क्या होगा जो काम करेगा, जब यहाँ अगर आएगा तो हम लोगों का सेल्फ नहीं घूमेगा। तो हम लोगों को जैसे कि ये भी चेंज करना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी मैंने जेनुइन लिया है, ये देखिए हीरो कंपनी का। तो हम इसे लगाएंगे और ये बाटी लगाएंगे, बस ये तीन चीज़ हम लोगों का ख़राब हो चुकी है। तो चलो इसे हम फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो हम लोग का क्लच का सिस्टम है ये हम लोगों को देखना है जो ख़राब है या सही है। तो चलो आप खोलिए और यहाँ देखिए हम लोगों का होता है जो बूस होता है, बूस अगर ख़राब हो जाता है, ढीला हो जाता है तो आप लोगों को बूस चेंज करना है। अगर बूस चेंज ना करेंगे तो आपका बेल्ट कटेगा या बेल्ट आपका टाइट नहीं होगा ऑटो सिस्टम और आवाज़ आएगा बेल्ट का। तो आप लोगों ने क्या देखा, जब भी खोले आप लोग ये भी चेकअप कर लीजिए। तो चलो हम इसे फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं जो सेल्फ का प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। चलो लगाते हूँ, बस अब डालेंगे हम लोगों का जो ये वाला पिनियम है, उसके बाद डालेंगे ये फैन है ठंडी करती है, और उसके बाद वाशर डालेंगे
सॉरी ये डालेंगे, उसके बाद वाशर डालेंगे। बस अब इस नॉट को हम लोगों को फाइनल टाइट करना है। अब किस तरह से टाइट करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो बेल्ट पुलर की मदद से इसे हम लोग बांधता हूँ। फाइनली हम लोग नॉट को टाइट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टाइट करने का कोशिश करो। अगर सेल्फ दें नॉट डीलर आए तो ऑटोमेटिक हम लोगों का घूम जाएगा रिचर और सेल्फ काम नहीं करेगा। बस फाइनल टाइट हो चुकी है। चलो लगाते हैं इसके अंदर जो हम लोगों का ऑन बे क्लच है। ऑन बे क्लच भी सेटिंग कर दिया है। अब थोड़ा बेल्ट को भी हम लोग टाइट करेंगे। अभी बेल्ट ढीला है ये, ठीक है। चलो अब हम लोग सेटिंग करते हैं इस बॉडी को। तो इस बॉडी को फिटिंग करने से पहले आप लोगों को थोड़ा इस बूश की जगह में ग्रीस देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। वन वे क्लच का बाटी लगा दिया है और सब कुछ फिटिंग कर दिया है। चलो अब हम लोग शेडिंग करते हैं। करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, जो सेल मार के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस चेंबर लगा के मैंने देखा, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है और सेल्फ स्टार्ट तो काम ही नहीं कर रहा है और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या ख़राब हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ सेल्फ स्टार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। गाइस जब भी हम लोग इग्निशन ऑन करके ब्रेक दबाओ के सेल्फ मार रहा हूँ तो जैसे कि हम लोगों का लाइट, देखो लाइट पूरा मुझ जा रहा है और यहाँ भी देखो पूरा लाइट को बैठा दे रहा है। इसका मतलब सेल्फ घूमना चाहता है लेकिन घूम नहीं पा रहा है। क्यों? अब मैं आपको रीज़न बताऊँगा। जो ये मेन चेंबर है हम लोगों का, जो साइड में चेंबर होता है, ये चेंबर यहाँ फाक है गाइस। और यहाँ देखो ये लग चुकी है। तो ये नॉट टाइट देने से भी क्या होता है, जो हम लोगों का चेंबर टाइट नहीं होता है। यहाँ देखिए इतना टाइट दे के रखा हूँ फिर भी ये चेंबर हम लोगों का इतना सा गैप है और यहाँ सेटिंग हो चुकी है, जो ऐसा रीज़न हो रहा है। तो चलिए मैं आपको खोल के बताता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए खोलते हैं। लगाने के बाद क्या हो रहा है, जो हम लोगों का ऑन बे क्लच हम जब लगाते हैं, लगाने के बाद ये कैप ठीक से बैठ नहीं पा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इतना सा गैप है और ये पूरा सटना चाहिए तभी जाके लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके। यहाँ देखिए इस तरह से हम लोगों का ये पूरा सट के रहेगा तो ही हम लोगों का चेंबर सेटिंग होगा, लेकिन चेंबर सेटिंग नहीं हो रहा है। तो ये पार्ट नंबर जो है गाइस, यहाँ देखिए 28150KPL900S इसका पार्ट नंबर है। ये हम लोगों का स्कूटी इस बाइक का पार्ट नंबर नहीं है। ये सबसे पहले क्या हुआ था, ये टूट गया था, ख़राब हो गया था, इसके कारण ये नया लगाया। लगाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इस बाइक का पार्ट नंबर जैसे कि मैंने देखा और बुक से देखने के बाद मैंने यहाँ देखा, इसका पार्ट नंबर अलग है। यहाँ देखिए 28150 यहाँ से ठीक है, लेकिन ए डबल ए एल 500S इसका पार्ट नंबर ये अलग है। तो गाइस ये नहीं होगा, तो मैंने मार्केट से ले आया और ये देखिए इतना छोटा बड़ा है। देखिए गाइस ये हम लोगों का छोटा बड़ा है, इसका कारण हम लोगों का नहीं हो पा रहा है। अब इसको देखो आराम से ये हम लोगों का सेटिंग हो जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये आराम से सेटिंग हो चुकी है और ये पार्ट्स हम लोगों का सेटिंग नहीं हो रहा है। ये सेटिंग नहीं हो रहा है। तो गाइस ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, जब भी आप लोग इस बाइक का एक कैप अगर टूट जाते हैं, ख़रीदने की कोशिश करते हो, तो पार्ट नंबर देख के ही आप लोगों को मंगाना पड़ेगा। पार्ट नंबर क्या है देख लीजिए, 28150AEL500S इसका पार्ट नंबर है। तो चलो इसे फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो बाइक में सेल्फ हम लोगों का ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और जैसे कि हम लोगों का चेंबर फिटिंग भीड़ रहा है कि नहीं। तो चलो हमने लगा दिया। अब यहाँ आप लोगों को एक रबार लगाना पड़ेगा, इसको गौर कर लीजिए, ठीक है। तो चलो लगाते हैं, लगाने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। आराम से हम लोगों का चेंबर फिटिंग हो चुकी है।
तो चलो हम नट फट लगाते हैं, लगाने के बाद आप लोगों को स्टार्ट दिखाते हैं। चलिए मैंने चैम्बर फिट कर दिया है और चैम्बर सेटिंग भी हो चुकी है एकदम। अब स्टार्ट कर रहा हूँ बाइक को, स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो गाइस आप लोगों ने क्या देखा, सिर्फ हम लोगों का एक गलती का कारण, ये पार्ट नंबर गलत का कारण क्या हुआ, चैम्बर ठीक से नहीं बैठ पा रहा था और प्रॉब्लम हुआ था। तो देखो सबसे पहले ये ख़राब हुआ था, इसका पिनियम कट चुकी था, मैंने नया डाला और वन वे जैसे बैरिंग भी हम लोगों का ख़राब हो गया था, क्लच ठीक है और ये बाटी, तो तीनों को चेंज करना पड़ा मुझे, फिर मेरा सेल्फ स्टार्ट बाइक का कंप्लीट हुआ। तो गाइस ये एक था जो लोकल कंपनी का, ये भी सेटिंग नहीं हुआ था। तो जब मैं बुक्स देख को मैंने ऑर्डर किया पार्ट नंबर मिला के और सेम मॉडल लाया और बाइक का कंप्लीट हो गया गाइस। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आप लोगों के पास आता है, जब भी आप लोग चैम्बर फिट करते हो, कभी ये अगर पास आपको लाते हो मार्केट से यार लगाते हो, लगाने के बाद चैम्बर आप लोगों को फिटिंग नहीं हो रहा है, जैसे सेल दबा रहा है आप लोगों का वोल्टेज बैठ जाता है, सेल नहीं मोटर घूम नहीं पा रहा है, तो आप लोगों को ये पार्ट नंबर बाइक का देखना है बुक मिला के। तो फिलहाल इस बाइक को मैंने ठीक कर दिया, तो बहुत ही टाइम लगा इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि ऐसा प्रॉब्लम अगर आप लोगों के साथ भी होता है तो आप लोगों को भी लोगों को पता होना चाहिए जो इसका कारण ऐसा होता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजय भाई गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।